हम हमें 15 मिनट का समय दे दो, हम हिंदुओं को ख़त्म कर देंगे। उसको फंड, उसके अकाउंट में जो पैसा आया वो ISI द्वारा आया गया। आपको कैसे इस चीज़ को पूरा फील कर रहे हैं, आपकी पूरा संपर्क? पहला जो हैदराबाद पार्लियामेंट सीट को जीतने का मनोबल रखता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम हैदराबाद में बैठे हुए हैं और आज हम आपको बड़े ख़ास मेहमान से मिलाने वाले हैं जिन्होंने सन 2009 में AIMIM के प्रमुख OBC के खिलाफ चुनाव लड़ा, सांसद की सीट पर चुनाव लड़ा और बहुत सारी जानकारी वो आज आपको देंगे। हम कई सवाल उनके सामने रखेंगे, खास जानकारी संत आसाराम जी बापू के विषय में भी आपको बताएंगे कि क्या संपर्क रहा ISI का संत आसाराम जी बापू के खिलाफ साजिश रचने में। तो आइए हम आपको ले चलते हैं सतीश अग्रवाल जी के पास, जो कि आज हमारे बीच मौजूद हैं। आपका स्वागत है मंगलमय चैनल में। ये AIMIM पार्टी जो है, इसका जो गठन किया गया था, ये कासिम रजवी नाम का एक निज़ाम पुलिस में सिपाही था, उसने इस पार्टी का गठन किया था। बाद में वो कासिम रजवी जो है देशद्रोह के मामले में उसको देश निकाला दिया गया था। इसमें कोई शक नहीं है कि MIM पार्टी का संबंध ISI से जुड़ा हुआ है। और जब मैं 2009 में चुनाव लड़ा था और मेरा मनोबल और शक्ति देख के अवेशी ने इस चीज़ को मालूम किया कि इसके पीछे ऐसी कौन सी शक्ति है जो इतना मनोबल है, तो उसने मालूम करने के बाद बापू जी का शिष्य है और इसको जो मनोबल है वहीं से मिल रहा है। 2009 के बाद ये कांग्रेस पार्टी ने और MIM पार्टी ने मिलके एक षड्यंत्र रचा गया ISI के साथ मिलके कि इनको कैसा फंसाया जाए। ये बापू जी जो आज जेल में हैं, इसके पीछे पूरा इंटरनेशनल षड्यंत्र है। ISI भी है और साथ में क्रिश्चियन मशीनरियों भी है। अभी थोड़े दिन पहले कश्मीर पुलिस ने एक उसको पकड़ा गया था छिंदवाड़ा में, वो पढ़ाता था, मतलब छिंदवाड़ा में जहाँ संत आसाराम जी बापू का गुरुकुल है वहाँ पर वो पढ़ाता था, उसका नाम पंकज था। हाँ, तो उसको जो है, जो उसको फंड, उसके अकाउंट में जो पैसा आया वो ISI द्वारा आया गया। तो ये पूरा का पूरा उसके इसमें अवेशी का भी जो है, उसके 2009 में मेरा चुनाव लड़ने के बाद 2014 का भी मैंने टिकट, पहला आदमी हूँ जो हैदराबाद पार्लियामेंट सीट को जीतने का मनोबल रखता है। आज तक जो भी चुनाव लड़े हैं वो हैदराबाद सीट जीत भी सकते इस उद्देश्य से नहीं लड़े, एक फेस वैल्यू आएगा इस उद्देश्य से लड़े। मगर मैंने 2014 में भी पार्टी से टिकट मांगी कि मैं मुझे टिकट दीजिए, मैं चुनाव लड़ के जीत के आऊँगा। वो ऐसी, इन्होंने इतना मनोबल कहाँ से आया? तो ये आसाराम बापू जी का दिया हुआ मनोबल की वजह से। तो इनके पीछे हिंदू शक्तियाँ, ये कांग्रेस पार्टी एक हिंदू के खिलाफ का पार्टी, मुसलमानों का पार्टी, क्रिश्चनों का पार्टी है। तो इन्होंने जो है देश भर में जो बापू जी का जगह जगह बड़ा संगठन बल बढ़ रहा, उसलिए इनको नष्ट कैसे किया जाए, ये पूरा जो है कांग्रेस और MIM पार्टी ने डिसाइड करके बापू जी को फंसाया है। और बापू जी निर्दोष है और आने वाले दिनों में बापू जी की जो शक्ति है और ज़्यादा उभर के आएगी, इसमें कोई दोरा नहीं है। इसी सापेक्ष में मैं कुछ इन बातों को और भी तथ्य सहित समाज के सामने रखने की आपसे बोलना चाहूँगा कि आपको कैसे इस चीज़ को पूरा फील कर रहे हैं, आपकी पूरा संपर्क, इसमें आप कुछ तत्व अपने रख सकते हैं? देखिए, ये जो अभी थोड़े दिन पहले NIA ने ISIS के एजेंट आतंकवादियों को पकड़ा गया, तो उसमें अवेशी ने ये कहा कि हम जो है इनको कानूनी मदद करेंगे। उससे पहले इसका भाई अकबर ने ये कहा कि भाई हमें 15 मिनट का समय दे दो, हम हिंदुओं को ख़त्म कर देंगे। तो ये जो है इसमें कोई वो नहीं है, ये AIMIM के जो लिंक हैं
ISI से लिंक हैं, जुड़े हुए हैं, और जो कश्मीर में जो आश्रम के जो एक गुनाह को जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो पकड़ा है, इसमें उसके साथ हमें संदेह के नक्शे पे हम, क्योंकि 2009 में मैं चुनाव लड़ा हूँ और हमने ललकारा है वैसी को, इसमें कोई दोरा नहीं है, और हम आज नहीं तो कल जीतेंगे हैदराबाद सीट। ये जो हैदराबाद का मुसलमान, जो इनोसेंट मुसलमान को ये गुमराह कर रहा है, आज पढ़ा लिखा मुसलमान ये बात समझने लग गया है, अवेशी का साथ छोड़ने लग गया। इसी सापेक्ष में मैं आपको एक बात और बोलूं कि संत आसाराम जी बापू को भारत के बहुत सारे मुसलमान मानते हैं। संत आसाराम जी बापू के कई बार सत्संग भी पाकिस्तान में हुए हैं, यहाँ तक कि जो भी मुसलमान समाज है, बड़े बड़े प्रभुत्व वर्ग हैं, वो भी उनके चरणों में आए हैं, बैठ के सत्संग सुनाए। तो आपको नहीं लग रहा कि ऐसी ताकतें जहाँ संत आसाराम जी बापू के खिलाफ काम कर रही हैं, तो क्या सारा मुस्लिम समाज दोषी है इन सब बातों का? नहीं नहीं, इसमें मुसलमान तो जो है बिल्कुल भारत में रहने वाला जो मुसलमान है वो चंद लोग ही जो है, ये पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए अवैसी जैसे लोग जिनके ISS से लिंक है, वैसे लोग ही बापू के वो हैं। मैं यहाँ का उदाहरण जानता हूँ, एक जिडीमेटला के अंदर एक मौज की बंडी बेचने वाला जहांगीर बोल के, वो बापू जी का लिए बंडी इस्तेमाल करते थे तो पूरा केला उसका बिक जाता था। उसने जाके बोला ये तो अच्छे बाबा हैं, हम इनका दर्शन करेंगे और दीक्षा लेंगे। बापूजी ने उनको ये नहीं कहा तुम मुसलमान से हिंदू बन जाओ, ठीक है तुम मंत्र दीक्षा लो और इसका जप करो, आगे बढ़ो और जो है तुम्हारे को फ़ायदा लगे तो करते रहो, ये नहीं कि धर्म परिवर्तन करवा दिया। मगर कुछ ईसाई मशीनरियाँ, विदेशी ताकतें भारत में धर्मांतरण करा के, वोट बैंक बढ़ा के, फिर से भारत को गुलाम करने का सुनियोजित षड्यंत्र चल रहा है, इसमें कांग्रेस की अहम भूमिका रही है और बापूजी ने इनका पर्दाफाश किया है, और इसीलिए जो है आज बापूजी सजा भुगत रहे हैं। मगर जो आज कोई भी रचनात्मक कार्य करने के लिए कठिनाई आती हैं, इससे हम बापूजी के 4-5 करोड़ फॉलोअर दबने वाले नहीं हैं, डरने वाले नहीं हैं। ये कठिनाइयों से जो है हम घबराएंगे नहीं, और भारत को हिंदू राष्ट्र बना के और जो धर्म गुरु देश बना के हम पीछे रहेंगे। जिस तरीके से आज हैदराबाद में मौजूद सतीश अग्रवाल जी ने अपनी बातों को रखा, एक सच्चाई आपके सामने स्पष्ट रखी, एक बहुत बड़ी सच्चाई जिससे कि पूरी लिंक है ISI की, और ISI किस तरीके से संत आसाराम जी बापू के खिलाफ काम कर रही है, उनके लोगों को इस्तेमाल किया गया और उनके लोगों को इस्तेमाल करके आज रुपए मुहैया करा के उन लोगों को उनके खिलाफ खड़ा करने का एक व्यापक काम किया गया। इस सच्चाई को आप समझ के जान सकते हैं कि आज भारतीय संस्कृति के स्तंभ संत के ऊपर कितना बड़ा जुल्म आज किया जा रहा है। ये सभी बातें आपके सामने स्पष्ट हैं। भारत का समाज इन सब बातों को अपने तरीके से समझ सकता है, सोच सकता है और अपना निर्णय ले सकता है। इसी के साथ मैं रूपेश, नमस्कार।